Okay, today we will see about multiplication of a tensor by a scalar. What is multiplication of a vector by a tensor? The multiplication of a tensor of any rank by a scalar yields another tensor of same rank. कि अगर हम किसी स्केलर के साथ किसी टेंसर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास जो उसका जवाब है ना, उसका जो टेंसर है वो जो रैंक है ना, वो हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं। प्रूव दैट इफ फाई इज द स्केलर एंड ए आई जे इज द सेकंड ऑर्डर टेंसर देन सी आई जे। अब ये फाई है, फाई हमारे पास जीरो रैंक टेंसर होता है, हमने अभी पढ़ा था। ये स्केलर जो होता है ना, वो हमारे पास जीरो रैंक टेंसर होता है हमारे पास। जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी टेंसर के साथ, हमारे पास उसका जो रैंक है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसका रैंक यही आएगा हमारे पास। इसके एग्जांपल में हम यही देख सकते हैं कि हमारे पास ए डैश एम एन है ना, ये हमारे पास जो है बराबर है एल एम आई एल एन जे के ए आई जे के बराबर है। अब इसको हम इफ वी मल्टीप्लाई दिस बाय ओके अब जब हम ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये जो स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो एल एम आई एल एन जे और फाई ए आई जे हमारे पास होगा, और ये हमारे पास किसी सी आई जे के टेंसर के इक्वल हो जाएगा, और उसका हमारे पास जो रैंक है ना, वो भी हमारे पास क्या है, टू है। तो ये हमारे पास उसका रैंक क्या रहेगा, सेम रहेगा जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास वही चीज़ बन रही है ना जो पहले हमारे पास थी, तो उसका रैंक सेम रहेगा। इससे आगे हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन है ना, उसकी टेंसर की मल्टीप्लीकेशन, उसकी टू टाइप्स हैं। आउटर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेंसर होगी, और दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या होगी, इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेंसर होती है। आउटर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेंसर इसको हम देखते हैं, और इंटर मल्टीप्लीकेशन इनर मल्टीप्लीकेशन को देखते हैं, उसके बाद हम कंट्रैक्शन को देखेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो आउटर प्रोडक्ट है ना टेंसर क्या होते हैं। तो एक चीज़ आउटर प्रोडक्ट में हम रिमेंबर करेंगे कि हमारे पास जो आउटर प्रोडक्ट है ना, वो जितने भी पहले वेक्टर है उसके हमारे पास रैंक आ रहा है, दूसरे वेक्टर का जो रैंक आ रहा है ना, उन दोनों के रैंक के हमारे पास सम के इक्वल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट इसकी एग्जांपल अगर हम देखें ना, हमारे पास क्या हो जाएगी, इफ़ ए आई जे के एंड बी एम एन आर टू कार्टीजन टेंसर ऑफ रैंक थ्री एंड टू, कि इनका हमारे पास रैंक थ्री है और टू है, पहले का रैंक थ्री है और दूसरे का हम देख सकते हैं कि रैंक एज वी हैव डिस्कस इन आवर डेफिनेशन, सो बी एम एन इज टेंसर ऑफ रैंक टू रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट नो वी हैव टू प्रूव दैट सी आई जे के एम एन दिस इज अ टेंसर ऑफ रैंक फाइव इज इक्वल टू ए आई जे के एंड बी एम एन। बेसिकली वी हैव टू प्रूव दैट राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड, कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये इसका रैंक तीन है, इसका दो है, इनको थ्री और टू को मल्टीप्लाई नहीं करना। आउटर प्रोडक्ट में हमारे पास जो इनका रैंक है वो क्या ऐड हो जाता है, थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स होता है, लेकिन वो हम नहीं करेंगे, हम थ्री प्लस क्या कर देंगे, टू कर देंगे, तो हमारे पास वो एक टेंसर बन जाएगा जिसका रैंक हमारे पास क्या होगा, फाइव हो जाएगा। ओके, हम ये लेते हैं कि जो हमारे पास पहला टेंसर था पी क्यू आर थ्री रैंक का, एंड सेकंड बी डैश एस टी इज़ अ टेंसर ऑफ सेकंड टेंसर ऑफ रैंक टू। सो इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस ओके इफ वी मल्टीप्लाई दिस टू टेंसर ए डैश एंड बी डैश, व्हाट विल बी आवर आंसर, इफ़ वी मल्टीप्लाई ए एंड बी, सो रैंक ऑफ द वेक्टर ए इज थ्री एंड रैंक ऑफ द वेक्टर बी इज टू। So, write the components of A vector is L, P, I, L, Q, J and L, R, K, similar the L, S, M and L, T, N. These are the components of second vector. These are components of first and these are components of second vector A, I, J, K and B, B, M, N. So, multiplication of these two tensor of rank 3 and 5 will be equal to a tensor C dash of rank 5 P, Q, R, S and T. This will be equal to right side and A, I, J, K, B, M, N will be equal to C, I, J, K, M, N. So, C dash is a tensor which is the outer multiplication of other two tensor, and the rank of the tensor C dash is equal to 5. So similarly, if we are given two tensor, first have rank 4 and second has rank 3, then we will in the outer product we will add these two vector 4 plus 3 will be equal to 7.
We had discussed about that the addition is addition of two tensor is associative and commutative, but the multiplication, outer multiplication of two tensor is non-commutative. So this is our important MCQ. This is the counter example for the proof of this expression.